नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू तो माय चैनल फर्स्ट इन इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैं थोड़े टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था एक्चुअली मैं उत्तरकाशी गया हुआ था दरगाह में तो वहाँ पर फ़ोन्स और लैपटॉप्स अलाउड नहीं होते वहाँ पर दस दिन की हमारी सेवा होती है तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाया था और आप लोगों को बता भी नहीं पाया था क्योंकि बहुत अर्जेंट में हुआ था बट अब मैं आ चुका हूँ दोबारा वापस ठीक है तो अब हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियोज़ को और मैं और भी थोड़ी बहुत नई स्पेशल वीडियोस लेकर आने वाला हूँ एक गोल्ड के ऊपर स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ टाइमिंग के ऊपर स्ट्रैटेजी है अगर आप लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी वो भी आ जाएगी वीडियोज़ तो अभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं तो हमें मंडे को कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड करना है और किस तरीके से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे बाय सेल वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा मंडे यानी कि ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर सो so, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों ले के लिए लेकर आया हूं, वो है सी ई एस सी सी ई एस सी बाय करने की मैं सलाह दे रहा हूँ आप देख सकते हैं एक शार्प मूवमेंट के बाद ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है ठीक <coughs> है एक रेंज के अंदर काम करने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शार्प फॉल आई शार्प फॉल आने के बाद एक राउंडिंग बॉटम टाइप इसने एक पैटर्न बनाया है आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम टाइप एक पैटर्न है उसका ब्रेकआउट ये दे चुका है तो हम यहां पर एक बाइंग के लिए देख सकते हैं एक बाइंग कर सकते हैं अगर यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक पैटर्न और डेवलप हो रहा है इसके अंदर इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग कहते हैं साइफर पैटर्न अगर मैं आप यहां पर आप लोगों को बना के दिखाऊं या देख सकते हैं एक साइफर पैटर्न इस पर डेवलप हुआ है और अगर हम इसका फिबोनाची के थ्रू टारगेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो जो टारगेट्स निकल के आते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वन से लेके सिक्स तक के आ रहे हैं तो कल हम लोगों को इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कल हम इसमें एक ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक आता है टिन प्लेट टिन प्लेट भी आपको बाय करने की ही सलाह दी जाएगी जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टिन प्लेट पे एक फॉल आया था अपसाइड से यहाँ पर आप देख सकते हैं टिन प्लेट पे फॉल आया था अराउंड 155 से जो इसे 117 तक लेकर चला गया था और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि दोबारा मूवमेंट आई है और आप देख सकते हैं फॉल के बाद इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है एक फॉल आई उसके बाद उसने एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया है और यहाँ से ब्रेकआउट इसके देने के चांसेस बढ़ रहे हैं जैसे ये 138 के ऊपर क्लोज कर जाता है वहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग इसके अंदर आ सकती है तो हम लोग इसमें एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं टारगेट्स प्रोबेबली जो लग रहे हैं वो वन से लेकर वन तक के लग रहे हैं ठीक है बट इंटरडे के टारगेट्स और किस लेवल पे बाय करना है किस लेवल पे एंट्री होगी आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगा तो जो लोग भी नए हैं वो लोग अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं लिंक को क्लिक करके थर्ड स्टॉक आता है एक्साइड इंडिया एक्साइट इंडिया भी आप लोगों को यहाँ पर मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वाले पैटर्न के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बार बात कर चुका हूँ इस पैटर्न को अगर हम लोग समझे तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं डबल टॉप डबल बॉटम जिस तरीके से देख सकते हैं एक फॉल आई फॉल आने के बाद एक अप मूव आके दोबारा एक फॉल आई एग्जैक्ट इधर इसने डबल बॉटम बनाया और अब ऊपर गया आप देख सकते हैं जो ये लेवल था इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है मतलब अगर मैं आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो ये डबल बॉटम था इसके ऊपर हम लोगों ने बाई इनिशिएट करना है यह हमारा स्टॉप लॉस है एंड ये हमारा टारगेट होता है ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका हम लोग बाई इनिशिएट कर सकते हैं हमारा टारगेट अराउंड इस लेवल पे होगा कल इंट्रा पे तो नहीं आ सकता बट अगर हम लोग दो तीन दिन के पर्पज से होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये दिखा सकता है ठीक है तो ये भी हमारे लिए बाय है किस लेवल पर एंट्री लेनी है आप लोगों को सब कुछ टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा नेक्स्ट लोग आते हैं जी इंफ्रा जीएम आर इंफ्राम पे भी एक सिमिलर पैटर्न बना है जो एक इंडिया में बना है जिस तरीके से आप देख सकते हैं एक एक शार्प फॉल आने के बाद ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है है ठीक और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और प्रोबेबली ट्वेंटी फोर के ऊपर एक ब्रेकआउट अच्छा से आ सकता है प्रॉबेबली कल आ सकता है या फिर परसों तक आ जाएगा ट्यूजडे तक तो इसमें भी हम लोग एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं और ये प्रोबेबली ट्वेंटी 0.5 तक जा सकता है दो रुपए तक की ये मूवमेंट दे सकता है एक दिन के अंदर नहीं बट एक दो दिन के अंदर अगर आप होल्ड करेंगे तो ये प्रोवाइड करा सकता है इंटरडे के टारगेट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सुबह 8:30 थर्टी ए एम अराउंड टेलीग्राम चैनल पे ओके लास्ट टॉक जो हमारा आता है वो आता है यहां पर मैं आप वो दिखा देता हूं महासीमलेस ठीक है महाराष्ट्र सीमलेस का अब इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर आप लोग देखें एक शार्प मूवमेंट आने के बाद हम लोगों ने क्या देखा उसमें एक रिवेंज के अंदर चला गया एक वेज टाइप फॉर्मेशन था यहाँ पर ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा कि उसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली थी इस कैंडल के ऊपर बट हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन पे उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो यहाँ पर हम लोग एक बाईनिशिएट करके चल सकते हैं इसका जो प्रोबेबली टारगेट आता है वो 228 जो कि इंट्रोडे है जो कि प्रॉबली ये लेवल होगा इसका प्रीवियस आए 228 से 230 तक के टारगेट्स हैं जो हम इंट्रोडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं चार से छः रुपए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बहुत हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे निफ्टी के एनालिसिस में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा फिफ्टीन मिनट्स के चार्ट पे क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा फिफ्टीन मिनट्स का चार्ट में ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए या तो मैं थोड़ा सा जूम आउट आप लोगों को करके दिखाता हूँ अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ सिमिलर टाइप पैटर्न बना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक शार्प रैली आने के बाद ऊपर इसने एक हेड एंड शोल्डर टाइप फॉर्मेशन बनाया है बट हेड एंड शोल्डर होता है रिवर्सल फॉर्मेशन रिवर्सल पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर और अगर ये पैटर्न नीचे बनता तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाइंग आती बट अगर पैटर्न एक स्ट्रांग मूवमेंट के बाद अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता

तो जो ये लेवल निकल के आ रहा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रेजिस्टेंस मिल चुका है और ये लेवल जो आ रहा है आ रहा है अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड एंड थर्टी के आसपास का तो अगर ट्वेल्व थाउजेंड थर्टी के ऊपर फिफ्टीन मिनट्स की कैंडल क्लोज कर जाती है तो आप लोग एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं उस पर आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को फोटी से फिफ्टी पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और आप लोग उसे होल्ड कर सकते हैं ठीक है बट मैं सलाह यही दूंगा कि इसके ऊपर बाय करने में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तरीके की यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ रहा है एक री इंच के अंदर ये ट्रेड कर रहा है तो अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो आप यहाँ का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आप इस यहाँ पर अपनी 40 परसेंट टारगेट को बुक कर सकते हैं उसके बाद जितना ऊपर जाता है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते आप अपसाइड को रीच कर सकते हैं ठीक है और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं एक बार कि किस तरीके का क्या फॉर्मेशन हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी पे भी आप लोग जिस तरीके से देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अब एक समिट्रिकल चैनल के अंदर काम कर रहा है ठीक है एक ट्राइंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा चाहे अप साइड में आए चाहे लोअर साइड में आए देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो छोटी होती जा रही है अगर नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन आता है तो आपको करना है क्या है वेट करना है 15 मिनट्स की कैंडल बाय फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ ये ब्रेकडाउन देती है तो 15 मिनट्स पे ही आपको वॉच करना है फिफ्टीन मिनट्स की कैंडल जैसी ब्रेकडाउन देती है आपको वॉच करना है कि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बंद होनी चाहिए जैसे इसके नीचे बंद होती है और ज़्यादा नीचे नहीं जाता अपने इस लेवल से आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं या फिर हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं और हाफ क्वांटिटी जब पुल बैक आए तब ले सकते हैं ठीक है सिमिलर बैंक निफ्टी में अगर बाय की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको वेट करना है कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे उसके ऊपर जाके आप लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं ठीक है थेके? और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे हायर लेवल्स पे अराउंड इस लेवल पे 24,800, 24,700 के पास पास ठीक है और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हमारे टारगेट्स कुछ इस लेवल पे होंगे ट्वेंटी 20, थाउजेंड से लेके 20,100 के आसपास के ठीक है तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस अगर आप लोगों को हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी और ये वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे हर दिन वीडियोस अपलोड होंगी प्लस मैं और कुछ वीडियोस भी लाने की कोशिश करूँगा क्योंकि हमारा जो पुराना गैप था उसे भी फिल करना होगा और अब वीडियोस में हम लोग सस्तेन रहेंगे ठीक है तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम लोगों को आपको वीडियो कैसी लगी प्लस अगर आप लोग नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को प्लस बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आप लोगों को हमारी वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल पाए बट हम जनरली नाइन से नाइन फिफ्टीन के अराउंड वीडियो अपलोड कर देते हैं पी आप लोग वहां पर कभी भी ओपन करके देख सकते हैं ठीक है तो मैं इसी के साथ आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा गाइज एक हमने कम्युनिटी बना रखी है जिसपे हम लोग जो हमारी यूट्यूब के जो पीपल्स हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग और हम लोग मिल अपना डिस्कशन करते हैं कोई भी स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन होता है लाइव मार्केट हो गया मार्केट के लाइव मार्केट के अंदर हो गया या कोई और टॉपिक हो गया हर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है वहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर करे जाते हैं तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वही आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन पर नीचे डिस्काउट का लिंक है आप जाके क्लिक कर सकते हैं हमारे सर्वर पे आप ज्वाइन हो सकते हैं सर्वर पे ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल चैनल्स मिलेंगे जहाँ पर आप अपना सारे डिस्कशन कर सकते हैं ए टू जेड चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर सपोर्ट भी प्रोवाइड होगा ठीक है गाइज तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर मैं शिवानश भसीन साइनिंग ऑफ